टीम इंडिया की मजबूत दीवार माने जाने वाले राहुल द्रविड़ आज 49 साल के हो चुके हैं। द्रविड़ हमेशा से सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार बल्लेबाजों की चमक में छिपे रहे, लेकिन टीम इंडिया जब जब मुसीबत में फंसी तो इस भरोसेमंद बल्लेबाज ने अपने जादू से टीम इंडिया को बचाया। तो आज हम ये क्रिकेट है मेरे यार के इस एपिसोड में आपको राहुल द्रविड़ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल द्रविड़ का निकनेम है जैमी। राहुल द्रविड़ का निकनेम जैमी है। दरअसल उनके पिता एक जैम बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे और तभी से उनके स्कूल कॉलेज में उनका निकनेम जैमी पड़ गया। राहुल द्रविड़ बने मोस्ट सेक्सीएस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। एक ऑनलाइन सर्वे में शर्मीले और शांत स्वभाव के राहुल द्रविड़ को 2004 में मोस्ट सेक्सीएस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया गया था। जी हां, इस सर्वे के दौरान उन्होंने युवराज सिंह और सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ियों को भी पछाड़ दिया था। राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदों का सामना किया। वैसे तो राहुल द्रविड़ ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 31,258 गेंदों का सामना किया है। अगर बात करें तो उन्होंने करीब 5,209 ओवरों का सामना किया है। आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने 30,000 गेंदों का भी सामना नहीं किया है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि राहुल द्रविड़ का यह रिकॉर्ड काफी सेफ है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। राहुल द्रविड़ ने एक ही मैच में डेब्यू किया और उसी मैच में रिटायरमेंट। राहुल द्रविड़ के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। दरअसल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया, तो इसी मैच के बाद उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर डाली। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाए थे। स्कॉटलैंड की ओर से भी खेले हैं राहुल द्रविड़। यह बात 2003 की है। 2003 विश्व कप में भारत ने उम्मीदों से उलट जबरदस्त प्रदर्शन किया था और यही कारण था कि कप्तान सौरभ गांगुली और उपकप्तान राहुल द्रविड़ के बेहतरीन प्रदर्शन के कसीदे पढ़े जा रहे थे। यह क्रिकेट का वो दौर था जब भारतीय टीम गर्मियों में काफी कम सीरीज खेला करती थी। इसी साल राहुल द्रविड़ की शादी भी हुई थी और वो अपनी पत्नी विजेता के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इस बीच भारत के तत्कालीन कोच जॉन राइट ने काउंटी सर्किट में राहुल द्रविड़ को स्कॉटलैंड की तरफ से 3 महीने के लिए खेलने का प्रस्ताव दिया। राहुल द्रविड़ को अपनी पत्नी विजेता के साथ हनीमून पर जाना था, तो राहुल द्रविड़ ने स्कॉटलैंड की तरफ से खेलने का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो ये तो थे राहुल द्रविड़ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। अगली वीडियो में हम एक नए खिलाड़ी के कुछ अनसुने किस्से लेकर फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।